अभी हम लोग जा रहे हैं थर्ल मार्केट में, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट अंधेरी मंदिर जा रहे हैं। तो अभी वहाँ पे शूट करना है, अलाउड है नहीं है, कुछ थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हम पहले पूछेंगे, फिर उसके बाद में दिखते हैं क्या रहता है एक्सपीरियंस। लेट्स गो। बचपन में हम लोग ने बहुत देखा ऐसा शिप्स एंड ऑल सूखी मच्छी। अभी हम लोग को वहाँ पे इस ये पॉइंट पे पहुँचना है, ये पॉइंट पे। यहाँ से हमारी शिप आने वाली है, बहुत लोग हैं यहाँ पे। हेलो गाइस, अभी हम लोग शिप में बैठे हैं और यहाँ मोटर का आवाज आ रहा है यहाँ पे। व्हाट हुआ मैन, प्लेजेंट डे। सो गाइज, अभी मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे अभी कुछ कंस्ट्रक्शन चालू है और यहाँ पे टूरिज्म स्पॉट बना रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल आया है। सो दैट इज़ अ नाइस थिंग, मतलब आप यहाँ पे आके रह भी सकते हो। अभी यहाँ पे एक मंदिर है, हम मंदिर में जा रहे हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा माना जाता है। एंड गाइज, मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की है, यहाँ पे पत्थरों पे नाम लिख के रखा है। इट इज़ अ वेरी बैड थिंग, नहीं लिखना चाहिए बिल्कुल भी नहीं। सब पत्थर पे नाम लिख के रखा है, सब पत्थर पे। फील करना चाहिए इसे, ये देखो। हाँ, लोकेशन है ये देखो, यहाँ पे सब कंस्ट्रक्शन चालू है यहाँ पे पूरा। गाइस चेक आउट दिस ब्यूटीफुल व्यू, और मैं देखो कहाँ पे खड़ा हूँ। ये यहाँ पे पॉइंट है, इसके नीचे बड़ा, जब ये प्रॉपर बन जाएगा ना तब आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो। गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया है, एक्चुअली होना चाहिए क्योंकि बहुत कम लोग पहले यहाँ पे आते थे। एक्चुअली ऐसा वन डे पिकनिक के लिए भी ठीक है,
लेकिन अगर स्टे ही करना है तो मज़ा आएगी। रात को मस्त यहाँ पे कैंप लगा सकते हैं, बॉनफायर कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको नाइट फोटोग्राफी तो कमाल की आएगी, कमाल की। और गाइस यहाँ पे हेलीपैड भी है, वाओ क्या बात है, हेलीपैड। नेक्स्ट टाइम हेलीकॉप्टर लेके आएंगे अपना। ओ हो, क्या बात है, एक मिनट फोटो बनता है। अरे इधर स्टेप्स भी है नीचे जाने को, अमेजिंग। जैसे अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, नहीं तो मैं अभी नीचे जाता था। वी आर गोइंग बैक टू द पवेलियन। यहाँ से आगे रास्ता नहीं, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन चालू है। यहाँ पे म्यूजिक वीडियो के लिए मस्त लोकेशन है, कर सकते हैं। अगर आपको पूरा सेटअप और आपके एक्ट्रेस लोग को लेके आना करेगा तो लेके आ सकते हैं। नाउ इट्स अ टूरिज्म स्पॉट। ओह माय गॉड, यहाँ पे लगता है रास्ता ख़त्म होता है। ओहो, मम्मी लोग शान है, नीचे से जा रहे हैं, बट मुझे एडवेंचर पसंद है। लेट्स गो। दिस इज आवर हिस्ट्री गाइस। तो दोस्तों अभी हमारी ट्रिप कंप्लीट हो गई है। अगर आपको भी खंदरी विंदरी ट्रिप करना है तो इन्हें ज़रूर मिलिए। इनका नाम है अश्विन उत्तम पुनके और ये आपको पूरा अच्छे से लेके जाएंगे और लेके आएंगे। मैं अभी ये क्षेत्र में 2007 से ये अभी टूरिज्म बिजनेस कर रहा है मैं। ओके। ये मैं खाली बिजनेस ही नहीं कर रहा है, बिजनेस नहीं कर रहा है, बाकी लोगों को एक्सीडेंटली जो कुछ ये घटनास्थली जो कुछ होता है उसको भी गवर्नमेंट के साथ में हेल्प कर रहा है। पूरा डे नाइट मेरा कभी भी कुछ भी हो जाए समुंदर में, ये लगभग 4-5 नॉट के बीच में वो भी करता हूँ। उसके वो करते करते मैं ये टूरिज्म बिजनेस कर रहा है। ओके। हाँ, मतलब जो कुछ एक्सीडेंट भी हो जाता है या कोई कोई किसको दुख दिक्कत आ जाता है वो सब में मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ। अच्छा। अभी भी लेटेस्ट आज के दिन में अभी अभी जो इधर हमारे इधर 2 नॉट पे अभी एक तक फंसा हुआ है उसको भी पूरा पूरी तरह से मैं हेल्प किया है। वो पानी का पंप, एंकरिंग या फिर अपना जो होगा गैस वेल्डिंग का, जो जितना सानस है वो जितना मांगता है उतना सब ला के उन लोग को दिया है। अभी दोपहर के 4 बजे का वो तक भी फ्लोट करके मैं उन लोग के ताबे में देने वाला है मैं। और बाद में अंधेरी उंधेरी सफ़र के लिए मैं एकदम 100% आदमियों को लेके जा सकता है और लेके भी आ सकता है, वो गारंटी के साथ मैं कह सकता है। अरे वाह मस्त। तो दोस्तों आपको कोई डरने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आपको शिप से ट्रैवल करने में डर लगता है या फिर जो भी है तो ये अपने अश्विन भाई संभाल लेंगे सब कुछ। जिस साल की मेरे को वो तजुर्बा है 20 सालों से। अच्छा। आगे के तकलीफ में बैठने वाले लोग उसका बैलेंसिंग क्या है तो मैं नज़र से पहचान लेता हूँ। ओके। उसका बैलेंस क्या है। ओके। वो तरीके से हम लोग बोर्ड सिचुएशन में जो स्केल में कैसे चलाने का है वो हर हम गारंटी के साथ हम लोग अभी गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं। डीजल एंड डायरेक्टर ऑफ लाइट हाउस के साथ में काम कर रहा है। अच्छा। जब कोस्ट गार्ड डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा है, मेडम बोर्ड के साथ काम कर रहा है, या MBPT जो बॉम्बे पोर्ट उनके साथ में मैं अभी काम कर रहा है। अच्छा, अगर चाहिए तो उनके पास से भी मेरा जो तजुर्बा है वो पूछ सकते हैं आप। ओके जरूर जरूर। अभी पोर्ट बॉन में जो अधिकारी वो है उनके वो कहाँ से, या हमारा किधर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो या डिस्ट्रिक्ट SP हो, उनके साथ उनके पास भी
तो प्रशासन के पास आप पूछ सकते हैं कि अश्विन क्या चीज़ है। अच्छा ओके, तो अश्विन भाई का बहुत नाम है और आप बेझिझक आ सकते हैं यहाँ पे। तो इनका नंबर मैं डिस्प्ले पे कर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आपको जब भी आना हो तो इनको जरूर फोन कीजिएगा, ठीक है? ओके।